हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उपासना की दुनिया। तो यार आप लोग हमेशा ही खूबसूरती को लेके कंसर्न रहते हो, चाहे लड़का है, लड़की है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये नहीं चाहेगा कि वो खूबसूरत ना दिखे। मतलब हर किसी को होता है कि बहुत ही अमेजिंग दिखना है। अमेजिंग दिखना सिर्फ आपके कॉम्प्लेक्शन पे नहीं यार, ओवरऑल उस पर वर्क करता है। तो यार आज की जो रेमेडी है ना, वो बहुत इसी चीज़ को लेके आए कि जो आपके फेस पे ना एक अलग ही ग्लो कर देगी। कुछ मैं इसमें एक्सरसाइज बताऊंगी, एक रेमेडी बताऊंगी क्या चीज आपको अप्लाई करनी है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल नहीं भूलना है। नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सो दैट आप इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज को कहीं पीछे ना छोड़ दो। मतलब कोई ना कोई रेमेडी किसी ना किसी तरह की आपके लिए जरूर यूजफुल होगी, क्योंकि आज के टाइम में यार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बिल्कुल फिट है। बीइंग ए डॉक्टर मैं भी अगर बोलूँ, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, ये जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि आज की इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, चेहरे पे तो वो निखार कभी आता ही नहीं, ऐसा लगता है कि चेहरा बहुत ज्यादा जो है डल हो रखा है। तो उस चीज में हम क्या कर सकते हैं, मतलब उन चीजों में। तो यार सबसे पहले मैं बताऊंगी छोटी छोटी 2 से 3 एक्सरसाइज और उसके साथ आपको किस रेमेडी को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम बोलते हैं ना किस करना, किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। तो बस इस एक्सरसाइज में आपको किस ही करना है, पर किस आपको आसमान को करना है, अपने फेस को इस तरह से करना है आपको, जैसे फिश करती है ना ऊपर की तरफ को प्रेशर देना है। मतलब जैसे फिश आप देखते हो पानी में किस तरह से इस तरह से कर रही होती है, उछल उछल के, सेम वो चीज यहाँ पे जो है फेशियल मसल पे जो है एक स्ट्रेचिंग होगा। अगर इसमें अगर आपकी डबल चिन भी है ना, तो ये उस पर भी बहुत अच्छा काम करेगी और ओवरऑल जो है एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो आपको क्या करना है, इस तरह से लेके 20-20 के 3 सेट्स करने हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आप दो, मतलब 20-20 एक साथ स्टार्ट नहीं कर सकते, तो आप 10-10 के स्टार्ट कर सकते हो। 10-10 के 3 मॉर्निंग और इवनिंग दो टाइम आपको करना है। सेकेंड बैलून की तरह कि मुंह में आपको एयर भर के रखना है और फेस को जो है स्ट्रेच करना है। तो आपने जो ये एक्सरसाइज है इसके भी ना मतलब 3 सेट करने हैं। जैसे आपने 20-20 काउंट करा, 3 टाइम्स हो गया, फिर आपको मॉर्निंग और इवनिंग करना है, और धीरे धीरे करके आप सेट्स की काउंटिंग अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर सकते हैं। अब आप लोगों ने ना मेरी बहुत पहले वीडियो देखी होगी, कोरियंस की तरह आपकी स्किन जो है क्रिस्टल क्लियर कैसे हो सकती है। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको 1 चम्मच कर्ड लेना है, उसमें आधा चम्मच हनी लेना है, उसका अच्छे से पेस्ट बनाना है, अप्लाई करना है। लोगों को बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। इवन मेरे पास जो पेशेंट्स विजिट करते हैं, मैं जिनको भी ये रेमेडी बताती हूँ, उनको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिले हैं। वो आपको बस कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए कि आप उसको रेगुलर करें। तो आज की जो वीडियो में मैं बताऊंगी ना अलॉन्ग विद दिस एक्सरसाइज, वो बहुत ही अमेजिंग है, वो है चावल का मास्क। लेकिन वो चावल कौन से होते हैं, बासमती चावल नहीं होते। मतलब जो चावल होते हैं ना बिल्कुल छोटे छोटे चावल और बहुत ही सस्ते मिलते हैं, हार्डली 5-10 रुपीज के जी, जिसमें मांड बहुत ज्यादा होता है, यानी कि स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, वो चावल आपको लेने हैं। बिल्कुल छोटे छोटे चावल होते हैं और उसका आप पाउडर बना के रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उस चावल का 1 चम्मच लेना है, उसमें मिल्क डालना है, कच्चा दूध डालना है, बॉइल्ड मिल्क का यूज नहीं करना है, ठीक है। भैंस का हो या गाय का हो, दूध कोई भी चलेगा, लेकिन कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करना है। उसको अच्छे से मिक्स करके पूरे फेस पे आपके पेस्ट लगाना है और 15 मिनट के बाद आपको उसको धीरे धीरे स्क्रब करके जो है वॉश करना है। याद रखें चावल में कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करना है और उस मास्क को फेस पे लगाना है। लगाने के बाद ना 5 मिनट तक अपने फेस को इसी तरह से रहने दो, एयर के कॉन्टेक्ट में धीरे धीरे नरिश होने दो। और उसके बाद आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में आपको तुलसी का स्टीम बताया था फेस पे कैसे देनी है, बेसिल लीव्स की। सेम वही प्रोसीजर करना है कि एक पैन लेना है, उसमें पानी में जो है तुलसी की पत्तियां डाल देनी है 4-5, उसको अच्छे से बॉईल होने देना है, हैंकी को डाला, निचोड़ा और उससे अपने फेस पे जो है स्टीम देनी है इस तरह से, फिर निचोड़ो, फिर से अपने फेस पे स्टीम दो। जिनको अभी भी नहीं समझ आया वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने करके दिखाया कि किस तरह से करना है। तो इस तरह से इस रेमेडी को करना है और एक्सरसाइज को करना है। वंस इन ए डे आपको मास्क को अप्लाई करना है, ट्वाइस इन ए डे आपको एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। विद इन वीक आपकी स्किन में बहुत डिफरेंस आने लग जाएगा, किस किस चीज में बेनिफिशियल होगा। अगर आपके एक्ने स्पॉट्स हैं, पिंपल स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, मेलेज्मा है, स्पॉट्स बन रहे हैं, ब्राउन स्पॉट्स बन रहे हैं,
हर चीज में बेनिफिशियल है। तो यार क्या होता क्या है कि रेमेडी कोई भी बुरी नहीं होती, बट हमारी बॉडी पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी रेमेडी हमें सूट करी है। क्योंकि यार हमारे हाथ में पांच उंगलियां लेकिन पांचों बराबर नहीं है, शरीर का हिस्सा है वो। सेम चीज है कि हर किसी की बॉडी अलग तरह से वर्क करती है। हो सकता है ये रेमेडी मेरे पे बहुत अच्छा काम करे, आप पे ना करे। तो इसीलिए मैं तरह तरह की रेमेडीज लेके आती हूँ कि आपको बेनिफिट रहे कि ये रेमेडी ऐसे काम करेगी, ये रेमेडी ऐसे काम करेगी, ये ऐसे करेगी। आप लोग एक दिन ट्राई करो, अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है तो आप करो, अगर आपको लगता है तो नहीं करनी है। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब आपने सारा कर लिया, मास्क लगा लिया, तुलसी से अपने फेस पे अच्छे से स्टीम दे ली, आप सोने वाले हो, सोने से पहले क्या करना है, आपका पूरा फेस क्लियर हो गया, सब चीज हो गया, गुलाब जल को लेके कॉटन से अपने फेस पे जो है डैप कर लेना है। किसी भी तरह का मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है, लिप्स पे भी, और आराम से सो जाओ। बस हो गई हमारी रेमेडी। और विद इन वीक आपको अपने फेस पे इतना अच्छा अमेजिंग रिजल्ट दिखेगा, जब आप फर्स्ट डे करोगे ना, आपको उसी दिन अपने आप में पता चल जाएगा कि स्किन कितनी स्मूथ हो रही है। तो यार पहले की मेरी जितनी भी वीडियोस है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो कुछ कुछ आज मैं उस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में से कुछ कुछ कमेंट्स उठा रही हूँ कि बहुत से लोगों का था हमारी वेट लूज वीडियो पे कि 7 डेज में 7 kg लूज करे कैसे पॉसिबल है, साइंटिफिकली कैसे है। और मैं हमेशा बोलती हूँ पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। अगर मानो आपका वेट 40 kg है, वहां पे ये चीज वर्क नहीं करेगी कि आप 33 किलो के हो जाओगे। भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी में वाटर वेट होता है वो 100 किलो के हैं, तो वहां हमने 7-7 डेज में 5-5, 6-6 kg, 7 kg इतना तक इफेक्ट देखा है उन लोगों में। तो वो डाइट पे, आपकी वेट मैनेजमेंट, वर्कआउट, सब चीजों पे डिपेंड करता है। जो हम टाइटल दे रहे हैं या थंबनेल दे रहे हैं, ये नहीं कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, एक आइडली बीइंग अ डॉक्टर, इतना मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ। मैंने अभी भी रिसेंटली एक केस डिस्कस किया था कि मेरी कोई पेशेंट है, उसका 117 किलो वेट था, पीसीओडी के पेशेंट है। लोग बोलते हैं पीसीओडी में वेट कम नहीं होता, मैंने उसको ऐसी डाइट दी, 10 दिन में वो 112 पे आ गई है। 5 किलो उसने 10 दिन में किया है पीसीओडी होने के साथ, क्योंकि उसकी मैंने मेडिसिन भी दी है और डाइट भी दी है। तो यार आप आइडली लेके चलो, हर चीज को ना दिल पे लेने से नहीं होता। अब मैं बोलूं मुझे 7 किलो कम करना, मैं कहां से करूंगी? फैट मेरे को दिखेगा तब तो वो कम होगा ना। वेट कम करने का मतलब है कि हमारी बॉडी में कहीं फैट दिख रहा है। अब मैं सोचू जी मेरी तो ये बाजू है, मुझे इसमें से 2 किलो और कम करना, अरे दिखे तो सही, दिख रहा है कहीं फैट? दिख ही नहीं रहा, कहां से कम होगा? तो थोड़ा सा हम लॉजिकली अगर चीजों पे चले वो ज्यादा बेटर है, रादर देन कि हम कुछ भी नेगेटिविटी स्प्रेड करें। और यार सेकेंडली जो वीडियो आती है स्किन को लेके कि अपनी स्किन को गोरा करे, कॉम्प्लेक्शन पे करे, गोरा सिर्फ ये नहीं कि अगर आप गोरे हो तभी वो गोरा है, गोरा या कॉम्प्लेक्शन या स्किन पे शाइन करने का मतलब हर कलर से, हम रेसिज्म पे नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं ओवरऑल आपकी ब्यूटी पे। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क भी है तो वहां पे भी तो यार ये है ना कि स्किन हल्की हल्की टैंड हो रही है, अनइवन टोन है। बहुत से लोग देखे, पेशेंट डेली मेरे पास विजिट करते हैं जिनके क्या कि यहाँ पे उनका कलर अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि हम वहां पे कोई भेदभाव कर रहे हैं। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, व्हाइटिश है, बहुत ज्यादा फेयर है, बोलने का मतलब ये है कि वो आपकी स्किन को नरिश करके एक बहुत अच्छा सा शाइन करने में हेल्प करेगा। तो यार इसी तरह अपना प्यार बनाए रखो, नेगेटिव चीजों से हमेशा दूर रहो, पॉजिटिविटी को अपनी तरफ लेके आओ, खींचो हमेशा, पॉजिटिव चीजें हमेशा काम करती है। और ये चीज मेरी अपने दिमाग में रखना कि वेट लूज करना, फैट बर्न करना दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? वेट लूज करके आप रीगेन कर सकते हो, अगर आप फैट बर्न कर रहे हो वो जरूरी नहीं है कि रीगेन होगा। जहां पे फैट होगा तभी तो वो बर्न होगा ना। अब आज के टाइम में क्या हो गया, ट्रेंड बन गया यार 40 किलो से ज्यादा नहीं हो चाहे हड्डियां दिख रही हो, ऐसा नहीं है। हेल्दी रहो, ऐसे बॉडी होनी चाहिए, ऐसी फिजिक होनी चाहिए जिसमें आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहा। तो इतने सारे डाइट चार्ट हम आपके साथ शेयर करते हैं, इतनी सारी रेमेडी करते हैं, इतनी सारी ड्रिंक्स करते हैं, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल है ना, आप उससे पिक करो और उसे स्टार्ट करो। विद इन मंथ आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, विद इन वीक, विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज, द कंडीशन की हर बॉडी के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए, फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। आयुर्वेदा हमेशा बोलता है स्वास्थ्य स्वस्थ आरक्षणम आतु रस्य विकार प्रशमनम च, और मैं हमेशा आयुर्वेदा पे ही चलती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए।